नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। और मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये AmiBroker एंड MetaTrader दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके ही काम करता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना प्रॉफिट आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वहाँ पर है जो कैसे हम लोग एक फॉल्स कॉल को डिटेक्ट करेंगे, कैसे इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कैसे पैसा आप अर्निंग कर सकते हैं, उसी का एक कंप्लीट सोल्यूशन उस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो अभी देखिए मैं चार्ट में आता हूं। सोचिए ये हम लोग का बाय सेल सिग्नल का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूं सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर जस्ट एक एडुकेशनल पर्पस यूज़ किया जाता है जो आपको गाइड करता है, जो कहां पर आपको मार्केट में बाय करना है, कहां पर सेल करना है, टारगेट स्टॉप लॉस ईच एंड एवरीथिंग। मतलब ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। अब आपको देखना पड़ेगा जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेडिक्शन कितना सही है, कितना परसेंटेज तक वो आपके लिए सही दे रहा है, दैट इज़ द मैटर। तो सबसे पहले देखिए मैं सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना पड़ता है उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्लाइंट का मन में क्वेरीज आता है, जो इतना सारा मार्केट में स्क्रिप्ट होता है उसमें से कहाँ पर कॉल बन रहा है मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्कैनर का एक सिस्टम होता है, कहीं पर भी कुछ कॉल बनेगा आपका स्क्रीन का ऊपर इस टाइप का एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा विद साउंड अलर्ट, जहाँ पर उस स्क्रिप्ट का नाम लिखा रहेगा, उसका वैल्यू भी लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है गेट रेडी टू बाय UBL एट द रेट 1206। मतलब UBL में जब वैल्यू चल रहा था 1206 तब आपका पास कोई कॉल बना था, सॉफ्टवेयर आपको नोटिफिकेशन दिया है। तो जो स्क्रिप्ट खुला है उसमें भी, जो स्क्रिप्ट खुला नहीं रहेगा उसमें भी कोई कॉल बनेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसा मैसेज आ जाएगा। मतलब आपको कोई स्क्रिप्ट ढूंढने का जरूरत नहीं है या कोई स्क्रिप्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करने का भी कोई जरूरत नहीं है, जैसे भी कॉल बना आपका साउंड के साथ ऐसा पॉपअप बॉक्स आ जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। आप सोचिए मैसेज बॉक्स मिलने के बाद आप उस चार्ट को ओपन किए, जैसे देखिए आपको यहाँ पर एक कॉल दिखाई दे रहा है, जैसे UBL में आपको बाय दे रहा है 1205.65 इस वैल्यू में, ये आज को 1:10 में कॉल बना था। तो अब जो मेन चीज़ होता है वो है प्रेडिक्शन। कॉल तो बहुत सारा बनता है, इसका मतलब ये नहीं जो हर एक कॉल ही अचीव होता है। हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, बहुत सारा कॉल अचीव नहीं होता है। तो कॉल आइडेंटिफिकेशन इस मार्केट के लिए सबसे चैलेंजिंग मैटर होता है, जो आप जो कॉल को चुन रहे हैं वो आपके लिए कितना जेन्युइन है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर जस्ट कुछ कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, अगर कंडीशन मैच होगा तो ही ट्रेड करना, अदर इज नॉट। तो कंडीशन क्या है देखिए, बाय का कॉल में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ता है नीचे में एक रिबन चल रहा है जिसका कलर देखिए बहुत पहले ग्रीन हो चुका है, पहले वो रेड था, मेरे कर्सर पॉइंट से देखिए ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो बाय का कॉल में नीचे का रिबन का कलर ग्रीन होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होता है बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा वो भी ग्रीन कलर का। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक ग्रीन कलर का आपको स्टार दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन ग्रीन कलर हो गया इसलिए समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको एक छोटा सा ग्रीन कलर का स्टार दिखाई दे रहा है। तो स्टार एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड को फिल्टर कर रहा है, तो ग्रीन स्टार आ गया मतलब ऑलरेडी मार्केट में बाइंग ट्रेंड आ चुका है। थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है नीचे का लाइन इंडिकेटर, इसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें देखिए मिडिल में आपको एक वाइट कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा जिसे हम लोग न्यूट्रल कहते हैं। मतलब ये जो लाइन है ये मार्केट को बेसिकली डिवाइड कर रहा है, और एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसे आपको लाइन दिखाई देगा जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका कलर एक बार ग्रीन होता है एक बार रेड होता है, तो चाहे कलर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, मगर इसका जो मेन फंक्शन है वो देखिए मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो लोकेशन है जहाँ से ये मूविंग एवरेज का लाइन है वाइड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगा, मतलब एज पर दिस इंडिकेटर आप यहीं से मार्केट में स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस चुके हैं। तो जब ये बाय का कॉल बना बेसिकली जो ग्रीन कलर का एरो है ये सिग्नल है, और इसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इस टाइम चार्ट को खोल के आपको तीन कंडीशन को पहले मैच करना पड़ेगा, जो स्टार है या नहीं ग्रीन कलर का, नीचे का रिबन का कलर क्या है, और ये लाइन का मूवमेंट वाइड लाइन के ऊपर किया है कि नहीं। अगर ये तीन चीज़ मैच होगा तब जाके आप कंफर्म होंगे जो ये कॉल आपके लिए एक सही कॉल है या आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो उसके बाद उसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री तीनों ऑलरेडी हिट कर चुका है। अब कंडीशन के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये जो तीन कंडीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। मार्केट में बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो खराब है, या मैं ऐसा नहीं बोलूँगा जी स्ट्रैटेजी अच्छा है ये स्ट्रैटेजी खराब है, हर एक स्ट्रैटेजी अच्छा है, मगर ऐसा भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो डेली सेम परफॉर्मेंस देखे जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर तीन चार स्ट्रैटेजी को एक साथ मर्ज करके ये सॉफ्टवेयर को बनाए हैं,
कम्बिनेशन बना के जो आपका एक्यूरेसी लेवल को और ज़्यादा फिल्टर कर पाए। देखिए मैं और एक चार्ट खोल के दिखाता हूँ अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में भी देखिए आपको यहाँ पर एक सेल का कॉल दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का एरो है ये सेल का कॉल है। सेल का कॉल में जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगा, नीचे का जो रिबन है उसका कलर रेड होना है। सेल का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा वो भी रेड कलर का, और नीचे का जो ये लाइन है ये रेड हो रहा है, वो देखिए वो व्हाइट लाइन का नीचे मूव कर रहा है। तो ये तीनों कंडीशन मैच होने का मतलब है ये भी आपके लिए काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग कॉल है जो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बाय का कॉल बना था अंत में, तो ये बाय का कॉल कितना जेन्युइन है या नहीं है आपको यहाँ पर सिंपल पता चल रहा है, क्योंकि बाय का कॉल का पहले कोई स्टार नहीं है और इस टाइम ये जो नीचे वाला जो लाइन है वो भी व्हाइट लाइन का काफ़ी नीचे है, मतलब इस टाइम मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं था। तो इस टाइप का कॉल को आपको इग्नोर करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारा कॉल बनेगा, आपको जस्ट बेस्ट कॉल को चुनना है। मार्केट में हर एक स्टेप दिन में एक ना एक बार प्रॉफिट देखे जाता है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोकेशन आइडेंटिफाई। सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अंबुजा सीमेंट्स 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट चला, अब वो कौन सा सिचुएशन है जहाँ पर आपको पैसा निकालना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। और सॉफ्टवेयर उसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। तो इस लॉजिक को फॉलो कीजिए। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, इस मार्केट में मेन चीज़ है लॉजिक। अगर आप लॉजिक के लिए मार्केट को सही रीड कर पाएंगे देन आप इजीली इस मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरा सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है जो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो आप एक बार मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियोस देखना है देन यूट्यूब में सर्च कीजिए राहुल सरकार शेयर मार्केट बोल के, ऊपर में ही मेरा चैनल दिखाई देगा। आप 5-10 वीडियो देख लीजिए, आपका मन में जो भी डाउट आ रहा है, क्वेरीज हो रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका मन में जो भी डाउट रहेगा आप मुझे फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में काम है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए जिसका भरोसा आप अच्छा प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस टाइप का जो मेरा बहुत सारा वीडियो आते रहता है, कुछ यूनिक कंसेप्ट के ऊपर भी वीडियो डालते रहता हूँ, वो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच।